नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सूबे के मुख्य सचिव बनते ही दुर्गा शंकर मिश्रा बेसहारा गोवंशों को गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाने के निर्देश जिले के अधिकारियों को जारी करने के बाद फिर एक बार बेसहारा गोवंशों को गौ आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के लिए बैठकों और कागजों पर लिखा पढ़ी का दौर शुरू हो गया है। सवाल यह उठ रहा है कि सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से अब तक अधिकारी बेसहारा पशुओं से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं, आवारा गोवंशों के आतंक से न कि किसान कराह रहा है, तबाह हो रहा है, बल्कि जान भी गंवा रहा है। अब तक जनपद में कई किसानों की जान सांड ले चुके हैं, सैकड़ों हेक्टेयर फसल को चर चुके हैं। किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह खेतों की रखवाली कटीले तार लगाकर करें या फिर मचान डालकर करें। सारे जतन करने के बाद भी आवारा गोवंशों के झुंड से फसलों को जब नहीं बचा पाते हैं, तब किसान आक्रोशित होकर उन्हें सरकारी भवनों में बंद करने जैसा भी कदम उठाते हैं। आवारा गोवंश अब तो नेताओं की रैलियों और हेलीपैड तक पहुंचने लगे हैं, जिसको लेकर सरकार की जग हंसाई होने लगी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सांड के हमले में मरने वाले किसान के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान कर किसानों का हितैषी होने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। फिलहाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आवारा गोवंशों का मुद्दा सरकार के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसे में फिर एक बार सीतापुर प्रशासन ने 13 दिन का अभियान चलाकर दस मवेशियों को गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसका जिम्मा प्रधानों को दिया गया है। मदद न करने वाले प्रधानों पर मुकदमा लिखाए जाने का निर्देश भी जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीतापुर जनपद में 219 न्याय पंचायतें हैं, जिनमें अस्थायी तौर पर गौ आश्रय स्थल बनने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 77 ही बन सके हैं। फिर आवारा और बेसहारा गौवंशों की संख्या हजारों में है, उन्हें रखा कहां जाएगा? फिलहाल ऊपर से निर्देश आया था, नीचे कुछ न कुछ कवायद करनी थी, सो बैठक कर अधीनस्थों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आई इंडिया आपको सीतापुर जनपद में आवारा गोवंशों के आतंक की कुछ झलकियों से रूबरू कराने जा रहा है, जिसको देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 साल में अधिकारी आवारा गोवंशों से कितना गंभीरता से निपटे हैं और किसान कितना तबाह हुआ होगा। 5 साल में सांड के हमलों में सीतापुर में कई किसानों की जान चली गई। आवारा गोवंशों के झुंडों ने सैकड़ों हेक्टेयर फसलों को चरकर बर्बाद कर डाला। सड़क हो या सरकारी कार्यालय, हर जगह आवारा गोवंशों का डेरा आपको मिल ही जाएगा। इनसे निपटने के लिए किसानों ने खेतों में बचाव के सारे जतन किए, कटीले तार लगवाए, फिर भी फसल नहीं बच पाई। मचान डालकर खेतों की रखवाली की, मगर मौका पाते ही आवारा गोवंश फसल चट कर गए। हताश परेशान होकर दर्जनों बार कभी प्राथमिक विद्यालय में तो कभी स्वास्थ्य केंद्र में आवारा गोवंशों को ले जाकर बंद कर दिया। ब्लॉक खैराबाद के अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर लालपुर में किसानों ने दर्जनों गोवंशों को कैसे बंद कर दिया, आइए आपको दिखाते हैं। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासखंड खैराबाद है और इसमें आवारा पशु बंद हुए हैं। यहाँ पर ये पशु इलाज के लिए नहीं, लेकिन किसानों की समस्या के लिए बने हुए हैं। ये आवारा पशु जो हैं, वो क्षेत्र के किसानों की जो फसल है उनको चौपट कर रहे हैं। किसानों ने अपनी समस्या से निजात पाने के लिए इन आवारा पशुओं को इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद कर रखा है। किसानों ने ये कदम आवारा गोवंशों से परेशान होकर उठाया। खेतों में मचान डालकर रखवाली करने के बाद भी
फसलों को ना बचा पाने के बाद किसानों ने गोवंश को बंद करना ही मुनासिब समझा। मचान पर खेत की रखवाली करने वाले किसान को सुनिए। भैया इतने ऊंचे आप बैठे हैं, क्यों बैठे हुए भाई? गैया बचाते हैं भैया। क्यों? गैया बहुत दान करते हैं शहर की और बहुत गैया परेशान करे। तो ये जो खेत बचाने के लिए दिन रात मड़ैया डाल रहे हैं, वो खाना खाते हैं, बैठ रहे थे खेते में। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, अधिकारी लोगों ने कहा जाते सुनते ही नहीं कोई जने। इधर आपके पड़ोस गांव में सैयापुर में गैया थोड़ी बंद भाई रहा है। हाँ। और कहा गया अधिकारी ने कोई सुनता ही नहीं। आज वहाँ ग्रामीणों ने गाय को बंद कर रखा है। हाँ, दो दिन से बंद है और कोई सुनवाई नहीं है, वो हम बंद है, हम पैरा वैरा डरवाया रहा ना, मैं फिर क्या तक यहाँ आए। क्या नाम आपका है? धीरू सिंह। सड़कों पर किसान द्वारा खदेड़े जा रहे ये आवारा गोवंश सीतापुर जनपद के उस इलाके में है जहाँ हर साल बाढ़ और कटान किसानों पर कहर बरपाती है, जिसकी मार से किसान जैसे तैसे उबर पाता है कि आवारा गोवंश किसानों की फसलों को चर कर उनकी कमर ही तोड़ डालते हैं। इनकी संख्या दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। बाढ़ आने पर ये आवारा गोवंश भी परेशान हो जाते हैं। रुक जा भैया, बहुत भीड़ है। अब हम आपको सांड के आतंक को दिखाते हैं। खैराबाद की बाजार में दो सांड इस कदर लड़ रहे हैं कि लोग दुबक कर बैठ गए कि कहीं सांडों की लड़ाई में उनकी सामत ना आ जाए। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर सांडों पर पानी डाल रहे हैं लेकिन इसका उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। सांड और गायों के आतंक से किसान ही नहीं नेता भी परेशान होने लगे हैं, लेकिन नेताओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात जो है। सांड और आवारा गोवंश से मोर्चा लेकर नेताओं को सुरक्षित कर लेता है। किसानों की फसल सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता। इस वीडियो को देखिए, ये 2 जनवरी का है जब सीतापुर के रेउसा कस्बे में अटल चौक का लोकार्पण करने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए थे। उसी समय कुछ आवारा गोवंश आ धमके, फिर क्या, नेता की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस ने आवारा गोवंशों को भगाने में सारी ताकत लगा दी। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो 23 अक्टूबर का है। बाढ़ और कटान से फसलों का हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को सीतापुर आना था। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरने को हुआ कि हेलीपैड पर आवारा गोवंश उछल कूद करने लगे, फिर क्या, मुस्तैद पुलिस बल ने आवारा गोवंशों को भगाने में सारी ताकत झोंक दी, तब जाकर कृषि मंत्री का उड़न खटोला सुरक्षित उतर सका। ऐसा भी नहीं कि आवारा गोवंशों को लेकर किसान और उनके नेताओं ने विरोध प्रदर्शन न किया हो, बल्कि कई कई दिनों तक ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन
आयोजित हुए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सीतापुर में आवारा गोवंशों से निपटना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ज्यादातर न्याय पंचायतों में गौशालाएं ही नहीं बनी हैं, और जो गौशालाएं बनी भी हैं, उनमें रखे गए गोवंशों का सुरक्षित रहना भी मुश्किल है। देखिए 2017 जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में एक आवारा गौवंशों की, या यूं कह लीजिए निराश्रित पशुओं की बाढ़ आई। वह बाढ़ पहले तो हमारी फसलों को नष्ट कर रही थी, धीरे धीरे वह निराश्रित पशु बेलगाम जानवर आज इतने आवारा हो चुके हैं कि हम किसानों के ऊपर जानलेवा हमले कर रहे हैं। जनपद सीतापुर भी उससे अछूता नहीं है। कई विकासखंडों में आवारा गौवंशों के हमले में लोग मारे गए। हमने अभी एक अभियान चलाया और उसके तहत विकासखंड मोहली पर 17 दिन तक अनवरत धरना प्रदर्शन चला, आमरण अनशन चला। उसके बाद में फिर हमने विकासखंड पिसावा पर एक प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर हमने एक प्रदर्शन विकासखंड मचरेटा पर किया, और उसी के क्रम में आज हम विकासखंड एलिया पर भी आए थे प्रदर्शन करने। और CDO साहब जो विकास विभाग के मालिक हैं, जिनके विभाग के ऊपर प्रदेश सरकार ने निराश्रित पशुओं को प्रत्येक न्याय पंचायत में गौशाला स्थापित करके आवारा गौवंशों को उसमें भेजने का बार बार आदेश दे रहे। हम आपको बताएं कि विकासखंड मचरेटा में 13 न्याय पंचायतें, 13 न्याय पंचायतों में मात्र एक गौशाला बना। विकासखंड पिसावा में 14 न्याय पंचायतें हैं जिसमें 4 बने हैं, 2 निर्माणाधीन स्थिति में हैं, 2 संचालित हो रहे हैं। मोहली में केवल 3 चल रहे हैं 14 में, एलिया में केवल 2 चल रहे हैं। अगर एवरेज में देखा जाए तो पूरे जनपद में अगर 200 न्याय पंचायतें होंगी तो जो निराश्रित पशुओं को रखने के लिए पशु आश्रय गृह हैं वह मुश्किल से 20 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे।